नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा कमाल की जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप जियो फोन यूज़र हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जियो फोन का जो प्लान है वो कल से यानी कि 1 दिसंबर 2021 से बढ़ने वाला है। ठीक है, प्लान का जो भी हम लोग रिचार्ज कराते हैं, रिचार्ज प्लान, वो बढ़ने वाला है कल से यानी कि 1 दिसंबर 2021 से। तो कितना कौन से प्लान में कितना बढ़ेगा, ठीक है, मतलब कितना का प्लान अभी है और कितना कल से ये लागू हो जाएगा 1 दिसंबर से, ठीक है, सभी प्लानों के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे, कौन से प्लान कितने का हो जाएगा और कितने परसेंट बढ़ रही है और उससे बचने का क्या उपाय है, ये भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले करूँगा थोड़ा सा रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल रंग के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को निशान को दबाइए ताकि इस तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी को निशान को जरूर दबा देंगे। तो पहले नंबर हम आपको बता दें कि जियो का नया रिचार्ज प्लान जो है वो कल से यानी कि 1 दिसंबर 2021 से लागू कर दिया जाएगा और इसमें आपको 21% रिचार्ज जो है वो बढ़ जाएगी। रिचार्ज प्लान जो है 21% बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं रिचार्ज प्लान का, फिलहाल करंट प्लान जो है और नया प्लान जो है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो जो प्लान 75 रुपये का था 28 दिन का वैलिडिटी का, फिलहाल करंट प्लान है अभी, ये न्यू प्लान जो 1 दिसंबर से लागू होने वाला है वो 91 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 3 GB मंथ में देता था, अनलिमिटेड वॉइस, 50 SMS और यहाँ पे अनलिमिटेड प्लान्स, अनलिमिटेड वॉइस एंड डाटा की बात करते हैं अब। तो यहाँ पे 129 के रिचार्ज में 28 दिन तक वैलिडिटी मिलती थी और उसका प्लान जो है 155 रुपये कर दिया गया है और इसमें 2 GB मंथ और अनलिमिटेड वॉइस, 300 SMS। और यहाँ पे नेक्स्ट जो रिचार्ज है 149 रुपये का जो रिचार्ज था, जिसमें 24 दिन वैलिडिटी मिलती थी और उसको बढ़ा करके 179 कर दिया गया है। ठीक है, इसमें 1 GB पर डे मिलता है, अनलिमिटेड वॉइस और 100 SMS पर डे। बात करते हैं अगली रिचार्ज को, तो 199 के जो रिचार्ज है 28 दिन के वैलिडिटी के साथ, वो 239 का रिचार्ज कर दिया गया है, जिसमें 1.5 GB पर डे, अनलिमिटेड वॉइस और 100 SMS पर डे मिलता है। उसी तरीके से 249 का रिचार्ज है वो 28 दिन का वो 299 का हो गया है, 399 का रिचार्ज 56 दिन का वो 479 का कर दिया गया है, 444 का रिचार्ज 56 दिन का है वो 533 का हो गया है, 329 का रिचार्ज जो है 84 दिन का वो 395 और 555 का रिचार्ज 84 दिन का है 666 रुपये, 599 का रिचार्ज 84 दिन का 719 रुपये, 1299 का रिचार्ज 336 दिन का 1559 रुपये और 2399 का रिचार्ज 365 दिन का 2879 रुपये हो गए हैं। अब यहाँ पे डाटा एड लोन का यहाँ पे बात करें तो अकाउंट का जो रिचार्ज है वो फिलहाल सेम ही है और 101 का रिचार्ज में आपको 121 दिन 12 GB मिलता है और 251 का रिचार्ज जो है वो 30 दिन का है। हालांकि यहाँ पे सब कुछ फिलहाल सही ही है, लेकिन यहाँ पे जो बात करते हैं कि काफ़ी रिचार्ज जो है वो बढ़ चुकी है, 21% जो है वो बढ़ चुका है। 21% बहुत ज़्यादा रुपए होता है, छोटा रकम नहीं है, 4-5% बढ़ता तो चलता है, लेकिन 21% जो है रिचार्ज को बढ़ा दिया गया है। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको रिचार्ज कर लेना होगा, ज़्यादा पैक को आप रिचार्ज कर लीजिए आज के दिन में ही, तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि कल से ये 1 दिसंबर 2021 से नेट रिचार्ज प्लान जो है वो लागू हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग आज से रिचार्ज करेंगे उनको तो सस्ता पड़ेगा, तो आपके पास अगर जब पैसा अवेलेबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पैक को आप रिचार्ज कर लीजिए, ताकि आपको एक ख़त्म हो खे तो आपको एक दूसरा मतलब कि चालू हो जाए प्लान। ठीक है, तो आपके लिए ये थोड़ा बचने का राहत है, अगर आपके पास पैसा है तो आप रिचार्ज करा लीजिए, ज़्यादा पैक या ज़्यादा समय के लिए करा लेंगे तो आपके लिए फ़िलहाल सस्ता में भी पड़ जाइएगा, क्योंकि कल से तो ये महंगा रिचार्ज होने वाला है। आशा करता हूँ इनका साथ आपको अच्छी लगी हो, चलेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, आपका दिन।